शुभ समाचार में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसी एक कहानी है दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अफसर की। कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बाद आराम भरी जिंदगी बसर करते हैं, उस उम्र में दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी ने वो मिसाल पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मुश्किल नहीं, कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल्ली में रहने वाले 68 साल के रणधीर सिंह चिकारा से मिलने के बाद आप भी इस पर यकीन करने लगेंगे। यूं तो रिटायरमेंट के बाद लोग अपना वक्त अक्सर नाती पोतों के साथ गुजारते हैं, लेकिन रणधीर सिंह चिकारा ने दिल्ली पुलिस की नौकरी से रिटायर होने के बाद किताबों से दोस्ती कर ली और पढ़ने के अपने अधूरे सपने को पूरा करने में जुट गए। तीस थी, एक मन में जज्बा था कि मुझे हायर एजुकेशन करना है। जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैंने प्लस टू किया राजस्थान से डिस्टेंस मोड में। फिर उसके बाद योग और जीवन विज्ञान में ही मैंने ग्रेजुएशन की, और योग और जीवन विज्ञान में ही मैंने मास्टर्स किया यानी एमए किया। ये सब एक लगनशीलता का ही परिणाम था। रणधीर सिंह बताते हैं कि क्योंकि पिता बहुत कम उम्र में साथ छोड़कर दुनिया से चल बसे तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना अधूरा सपना पूरा करने का मन बना लिया और 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम मुकम्मल की। रणधीर सिंह ने 1973 में हाई स्कूल किया, 1974 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए और 40 साल 10 महीने तक पुलिस महकमे में नौकरी की। 2015 में रिटायरमेंट के बाद 12वीं क्लास की परीक्षा दी। 2019 में योग और जीवन विज्ञान में बीए किया और 2021 में योग और जीवन विज्ञान में ही एमए भी किया। इसके बाद नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी किया। इतना ही नहीं, रणधीर सिंह चिकारा एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से लेकर जजों तक को वो योग सिखा चुके हैं। उनकी इच्छा है कि उनके जिंदगी यूं ही लोगों को योग सिखाते और निरोग बनाने में गुजर जाए। पुलिस और पब्लिक दोनों का होता था और पुलिस वालों का करीब करीब 50-60,000 के करीब मैंने योग सिखाया होगा, उसमें कांस्टेबल से लेकर और कमिश्नर ऑफ पुलिस तक। फिर उसके बाद पब्लिकली भी हम शिविर लगाते थे मॉर्निंग में, जैसे टाइम होता था। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैंने शिविर दिए हैं, जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं जाकर शिविर ऑर्गेनाइज करता था। जिस उम्र को लोग जीवन की शाम समझते हैं, उसे रणधीर सिंह के जज्बे ने नए सवेरे में तब्दील कर दिया है। ये हौसला और ये सोच न सिर्फ तारीफ के काबिल है बल्कि दूसरों को राह दिखाने वाली भी है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग सपनों की एबीसीडी को खत्म समझते हैं, लेकिन रणधीर सिंह जी ने यह तय कर रखा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अधूरे काखा गाघा की डिग्री जरूर पूरी करेंगे। रणधीर सिंह जी ना सिर्फ उम्र के नंबर की बाधा को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बल्कि उन तमाम लोगों को भी प्रेरणा देते हैं जो जिंदगी के कई चीजों में उलझ जाते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।